बोले सो निहाल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस पर बाल दिवस के इस कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी हरनाम सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, गुरुद्वारा रीठा साहिब नानक मतासे बाबा श्याम सिंह जी, गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहिब बहेड़ी से बाबा गुरचंद सिंह जी, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सरदार राजेंद्र सिंह बक्का जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा कमेटी आलमबाग लखनऊ सरदार निर्मल सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य हमारे माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी सिख समुदाय से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर गुरु साहब की यात्रा यहां पर आई है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित 26 दिसंबर की स्थिति को साहबजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के, मुख्यमंत्री आवास के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए और हम सब के लिए यह दिन सिख गुरुओं के प्रति और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। सिख गुरुओं का जो त्याग था, जो बलिदान था, वह तो एक प्रेरणा है ही, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चार चार साहबजादों को भारत की धर्म, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान किया
बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझारू सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, चार चार पुत्र भारत की धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान होते हैं। माता गुजरी जिन्होंने रक्षा का दायित्व अंतिम समय तक निभाते निभाते अंत में स्वयं भी उन्होंने अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके चार चार पुत्र शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए धर्म की रक्षा करते हुए, तो उस समय भी उनके मुंह से एक ही बात निकली थी कि चार मुए तो क्या भे, जीवित कई हजार। यानी अपने परिवार के लिए नहीं, देश और समाज के लिए, धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, उनके स्मृति में आयोजित होने वाला कोई भी कार्यक्रम हम सबके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का ही कार्यक्रम होता है। उसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के क्रम में मुख्यमंत्री आवास में बाल दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला हम सबको अभिभूत करती है, अपने इतिहास के साथ जोड़ती है। भक्ति से शक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही सिख गुरुओं के प्रति शीश नमन करने का एक अवसर प्रदान करती है, और इसलिए मैं आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बाबा अजीत सिंह जी को, बाबा जुझारू सिंह जी को, बाबा जोरावर सिंह जी को, बाबा फतेह सिंह जी को धर्म के लिए बलिदान देने की इस उत्कृष्ट परंपरा को भी नमन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के इस गौरवशाली इतिहास को अब पुस्तक में सचित्र उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मैंने विगत वर्ष भी इस बात का अनुरोध किया था कि हाँ बताएंगे नहीं तो पीढ़ी तो भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे बाबा अजीत सिंह कौन थे, बाबा जुझारू सिंह कौन थे, क्या उम्र थी उस समय, बाबा जोरावर सिंह क्या उम्र थी, बाबा फतेह सिंह एक नन्हा सा बालक लेकिन अपने धर्म के पद से विचलित नहीं होना है, दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाना है, धर्म के पथ का अनुसरण करना है। बचपन से मिले हुए संस्कार, मां गुजरी के सानिध्य में जो संस्कार, जो सानिध्य प्राप्त हुआ, दो पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दीवारों में चिन लिए जाते हैं लेकिन कहीं उफ तक नहीं करते, धर्म की रक्षा करनी है। और अब वही बलिदान की प्रेरणा हम सबको आज भी विपरीत परिस्थितियों में जूझने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, यह सच है, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर संकट आया है, कौन नहीं जानता है कि पश्चिम से आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए पंजाब हमेशा एक दीवार बनकर के खड़ा होता रहा है। और मैं तो अभी देख रहा था तमांग की घटना को लेकर के, 9 दिसंबर के दिन मैंने पूछा, मैंने कभी वहां पे ऐसी स्थितियां थी कैसे वहां पर भारतीय सेना बहुत चीन पर हावी होगी, तो बताया गया कि वहां पे हमारे
सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए जवान थे। एक एक जवान दो दो चीनियों को अपने दबाता था और फिर उनके कायदे से तुड़ाई करके फिर वहां से भेजता था। ये है शौर्य, ये है पराक्रम। और मुझे लगता है कि हम सबको इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उस पर हम सबको सामूहिक रूप से अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। आज के इस अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों को, जिन्होंने सरहिंद की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिया, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि देश के इतिहास में बाल दिवस के रूप में घोषित किया। मैं लखनऊ और गोरखपुर के गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि बाल दिवस के इस कार्यक्रम के लिए बार बार आग्रह करते रहे, ये दिवस होना ही चाहिए। और हम लोगों ने आयोजन यहां प्रारंभ किया, उसकी गूंज देश और दुनिया के अंदर सुनाई देने लग गई और परिणाम हम सबके सामने है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में इस आयोजन का शुभारंभ किया, हम सबको यहां इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आप देखना पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक होड़ लगी कि बाल दिवस का वास्तविक आयोजन कौन सा होगा। वह वही होगा जो साहबजादों के बलिदान दिवस का दिन है, और यही वास्तविक इतिहास है, यही वास्तविक इतिहास भी है। और इस वास्तविक इतिहास के साथ हम सबको जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबको, यह हमारा सौभाग्य है, लखनऊ का यहायागंज गुरुद्वारा तो गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने संस्कृति विभाग से इस बारे में कहा है कि गुरु परंपरा से जुड़े हुए उन गुरुद्वारों को चिन्हित करें, उनकी कनेक्टिविटी को, उनके आसपास के क्षेत्र को सुंदरीकरण और उसके विस्तार के लिए क्या कार्यक्रम बन सकते हैं। हमें एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। नगर निगम ने यहां पर पार्क की स्थापना के लिए जो कार्यक्रम किए हैं उससे जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी, सरदार बलदेव सिंह गोलक जी यहां पर हैं, आप उनको ये जिम्मेदारी दें, परविंदर सिंह यहां पर हैं, इनको ये जिम्मेदारी दें, बताएं ये लोग शासन के संज्ञान में सारी चीजों को लें, सारी बाधाएं, कोई भी चीज आज के दिन पर अपनी गुरु परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, साहबजादों को उनके अनुरूप सम्मान देने के लिए कोई भी चीज बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग हर स्तर पर उसमें सहयोग करने को तैयार हैं। आज यहां पर हम सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार चार साहबजादों का के प्रति नमन करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से साहबजादा दिवस के अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर बाबा अजीत सिंह जी को, बाबा जुजारू सिंह जी को, बाबा जोरावर सिंह जी को और बाबा फतेह सिंह जी को एक बार फिर से नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करते हुए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार सदैव आपके साथ में है।